आरती भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि, आरती भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चले चलते हैं आज के किसी मुख्य खबर की ओर। कैमूर जिले के डंडवास पैक्स में धान बेचने के लिए किसान पिछले डेढ़ महीने से लगातार कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं। पैक्स तो खुला है, लेकिन पैक्स अध्यक्ष और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी द्वारा मनमाने तरीके से खरीदारी करने के कारण कई किसानों का धान अभी भी खलिहान में रखे रखे जम रहा है। और खरीदारी की बात पर पैक्स अध्यक्ष किसानों की बातों को टाल मटोल कर रहे हैं। किसान पैक्स अध्यक्ष से लेकर जिलाधिकारी तक अपना धान पैक्स में बेचने की गुहार लगा रहे हैं। कई किसानों ने पैक्स अध्यक्ष और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी के खराब रवैये को देखते हुए अपना धान औने पौने दाम पर बिचौलिए को बेचने को हुए मजबूर। किसान बताते हैं, हम लोगों का नवंबर माह में ही धान की कटाई हो गई थी। कई बार पैक्स अध्यक्ष के पास और पैक्स के गोदाम के पास हम लोगों ने अपनी धान बिक्री के लिए गए, लेकिन हम लोगों को सिर्फ आश्वासन मिल रहा है, आज धान की खरीदारी हो जाएगी तो कल हो जाएगी, लेकिन धान की खरीदारी नहीं हो रही है। बिचौलिए धान 1300 और 1400 रुपए प्रति क्विंटल की दर से मांग रहे हैं। अगर उनको हम लोग धान देंगे तो हम लोगों की लागत भी नहीं निकल पाएगी। जिलाधिकारी से 15 दिन पहले गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई धान का खरीदार नहीं है। धान खलिहान में रखे रखे अब जमने भी लगा। प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी करते हैं डंडवास पैक्स में विलम्ब से धान की खरीदारी शुरू होने के कारण भी 50% भी धान की खरीदारी नहीं हो पाई। सरकार का 31 जनवरी तक धान खरीदारी का अंतिम तिथि है, ऐसे में लक्ष्य पूरा नहीं किया जा सकता। इसके लिए समय को बढ़ाना पड़ेगा, तभी सभी की खरीदारी हो पाएगी। कैमूर से बिट्टू सिंह की रिपोर्ट। क्या होता है धान आप लोग के अभी तक खलिहान में ही रखा हुआ है? ऐसा है कि धान बिचौलिए लोग मांग रहे हैं, तो उन लोगों को देने से हम लोग का लागत खर्च तो निकल नहीं रहा है। क्या रेट लोग मांग रहे हैं? वो लोग अभी 1400-1450 के लोग मांग रहे हैं, उससे तो खर्च नहीं निकलेगा। तो हम लोग चाहते हैं कि पैक्स द्वारा जाए। पैक्स बोल रहे हैं अभी खरीदारी नहीं किए हैं, बोल रहे हैं। कितने दिन से रखा हुआ है धान? ये तो धान 1.5 महीना से रखा हुआ है, 1.5 महीना से। तो क्या स्थिति अब जगह जगह घास है, दुखी रहे हैं, धान सब जम गया है, तो ऐसे बर्बाद भी हो रहा है। तो सरकार के मांग पर उठ नहीं पा रहा था। क्या नाम होगा सर आपका? प्रेमचंद। क्या दिक्कत है बिके में? धान का स्थिति ऐसा है कि 1.5 महीने से धान काट के रखा गया है, इसके बावजूद भी धान लेने के लिए कोई तैयार नहीं है। तैयार धान का रेट है 1400 रुपए लोग मांग रहे हैं, जिसमें कि हमारा लागत भी नहीं निकलेगा। जो है कि इसमें जो है कि क्या बोलते हैं इनको, पैक्स अध्यक्ष को भी दिया जा रहा है, वो भी लेने के लिए 10 दिन से आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ऐसे करके नहीं ले रहे। सरकार का रेट कैसे जा रहे थे? सरकार का रेट तो 1800 है, लेकिन क्या रेट में आप लोग बेच रहे हैं फिर? कैसे 1400 में बेच रहे हैं, तब तो लागत भी नहीं निकलेगा आप लोग का, लागत भी नहीं निकलेगा। तो फिर कैसे, क्या हमारे माध्यम से क्या आप सरकार तक बात पहुँचाना चाहेंगे आप? मैं चाहते हैं कि किसी तरह से बात को आगे बढ़ाया जाए, धान को उठा लिया जाए ताकि हमारा धान निकल जाए। क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम रामानुज। धान की खरीदारी की? धान की खरीदारी तो नील है, यहाँ एकदम कहीं खरीदारी किसी का नहीं हुआ है। कौन सा पंचायत? हम लोग तो आधे पौने दाम में बेचे हैं धान अपना। क्या कौन सा पंचायत है? ये डंडवास पंचायत है। तो क्यों आधे पौने दाम में क्यों ऐसा मजबूरी है कि बेचना पड़ा फिर? आखिर करते क्या, धान तो खरीदवा कर रख दिए, रखने के बाद कोई खरीदार था नहीं, पैसों की आवश्यकता थी। हम लोग को गेहूं में बीज खरीदना था, गेहूं का खाद खरीदना था, दवा खरीदनी थी, पैसों की आवश्यकता थी, तो इसलिए हम लोग गेहूं को धान को निकाल दिए। क्या रेट निकाले फिर आप? हम लोग 1275-1300 यही दिए हैं, 1200। सरकार तो 1865 का मानक रखा हुआ है। नहीं, लेकिन यहाँ तो हम लोग का वही रेट मिल रहा है, तो हम लोग उसी रेट में दे दिए, क्या करते। और कोई पैक्स के माध्यम से नहीं खरीदारी हुई? नहीं, कोई खरीदारी नहीं हुई है। तो मजबूरी में बिचौलियों कहाँ से बेचना पड़ा? हाँ, बिचौलियों को हम लोग दिए हैं। तो फिर आप लोगों का लागत भी नहीं निकल पाया इसे? तो बिल्कुल नहीं, लागत जो लागत निकल जाए वही काफी है जोड़ने के बाद में। अब वही गेहूं से जो थोड़ा बहुत आमद होता, फिर धान में हम लोग लगेंगे। गेहूं का भी वही हाल है, गेहूं कुछ हम लोग रखे भी थे बेचने के लिए, उसका भी रेट नहीं था। जो हम उस समय हम लोग जो 1800 का गेहूं बेचे थे, बिचौलियों को ही बेचे थे अगली बार भी। अब वही गेहूं इस बार 1525 के 1530 के बेचे हैं, दो रेट में बेचे हैं। क्या नाम होगा आपका सर? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह हुआ। जिम्मे है और क्या स्थिति है? मेरे जिम्मे 10 पैक्स है, मोहनिया प्रखंड अंतर्गत, और सभी पैक्सों में खरीदारी चालू है।
अभी सीसी जिस पैक्स में खरीदारी सीसी नहीं है वहाँ पे खरीदारी भी बाद रुक गई है सीसी के कारण, सीसी में अभाव के कारण। आसिफ ने डंडवास पैक्स का कितना टारगेट था, कितना इसके एवज में अपने अचीवमेंट किया? डंडवास पैक्स का 20,000 टारगेट है, 270 और 8,510 क्विंटल वहाँ खरीदारी हो चुकी है आज तक। 50% भी अभी तक अपने खरीदारी नहीं किया थी, जनवरी डेडलाइन है, आज 18 तारीख बीत चुका, कैसे आप अचीवमेंट पूरा कर पाएंगे? नहीं, वहाँ खरीदारी अभी चालू है, उसके एवरेज में 50% हम लोग कोशिश करें खरीदारी बहुत से बहुत जल्द से जल्द और खरीदारी हो जाए। किसानों का आरोप है कि चहेते लोगों का धान खरीदा जा रहा है, बिचौलिया खरीदा जा रहा है, हम किसानों का धान जहाँ रखा वहीं पे जम रहा है, सड़ रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। नहीं, ऐसी बात नहीं है, किसान आए गोदाम पे धान लेकर डंडवास पैक्स में अध्यक्ष से बात करें, अब उनकी धान ली जाएगी। कई अध्यक्ष की मनमानी का भी वहाँ पे आरोप लोग लगा रहे हैं कि हम लोग धान, अगर ऐसी सूचना मिलती है तो गलत है या मनमानी नहीं, हमको धान खरीदारी का रीजन पीछे इतना स्लो चलना, 50% अचीवमेंट नहीं आना, क्या लेट से खरीदारी वहाँ स्टार्ट हुई थी, रीजन क्या था? रीजन वहाँ का ऑडिट नहीं हुआ था, इसलिए ऑडिट बाद में हुआ, इसलिए उस कारण। कितने दिनों से खरीदारी चालू है अभी? अभी वहाँ खरीदारी 20-25 दिन हो रही है, अभी स्टार्ट हो रही है। क्या लगता है कि 21 जनवरी तक टारगेट पूरा हो जाएगा? टारगेट 31 जनवरी तक तो नहीं हो पाएगा पूरा, तो टारगेट पूरा करने के लिए और समय चाहिए। समय और चाहिए। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। दो बार गए, कहाँ? वो बोले कि दो चार दिन में हम उठवा लेते हैं धान, डीएम के। हाँ, डीएम के पास गए थे, तो दो चार दिन आज हो गए, 15 दिन गए थे, नहीं उठाए। कितने दिन से काट के रखा हुआ फसल आप? ये फसल काट कर रखा हुआ है, हो गया 1.5 महीना के लपेट में, 1.5 महीना लपेट में है। सो क्या स्थिति कैसे? किसी के भी पास गए हम, उसको पास भी गए, वो भी नहीं सुने। तो क्या फसल तो जगह जगह से एकदम आपका घास लगा? देखिए रहे हैं फसल हमारा ये बर्बाद हो रहा है, कोई लेने के लिए तैयारी नहीं हो रहा है, जाम रहा है, और कंडीशन मेरा रेट भी नहीं निकल रहा है इस तरह। तो पैक्स अध्यक्ष से भी बात नहीं हुई आपकी कभी? उनको तो कह रहे हैं तो 2 दिन तो 10 दिन आज 15 दिन से दूर आ रहे हैं। कब बारिश हो जा रहा है उसमें भी धान भिगने का डर रहता है? उसमें भिगने का डर रहता है, जाम रहा है। क्या नाम होगा आपका? उपेंद्र सिंह। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।